हे गाइस, मैं हूँ लविशेस गेमिंग। मेरा नाम है सूरज गुसानी। एंड गाइस, पहला व्लॉग कह सकते हो, मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ। वैसे आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इस चीज़ की। ये है वॉच जो कि मैंने आज ही खरीदी है, एंड मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, जो कि मेरे को बहुत पसंद आई है। मेरे डिजिटल वॉच नहीं है ये, ये एनालॉग वॉच है मेंस के लिए। तो ये मेरे को पड़ी है 4300 की वॉच, एंड इसकी मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये व्लॉग नहीं है, आई डोंट नो कैसा बनेगा, मेरा पहला एक्सपीरियंस है। अगर कुछ भी गलत होगा, यहाँ वहाँ होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोगों से पहले ही, क्योंकि पहला व्लॉग है, या आप अनबॉक्सिंग वीडियो बोल सकते हो, पहला है। व्लॉग नहीं मान सकता मैं इसको, क्योंकि व्लॉग के लिए मैंने कुछ सरप्राइज़ रखा है। जिस दिन मेरा पहला व्लॉग आएगा, उस दिन आपके लिए भी एक सरप्राइज़ है, और मेरे लिए खुद के लिए एक सरप्राइज़ है वो। तो शुरू करते हैं यहाँ पे पहला अनबॉक्सिंग वीडियो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, और मैं पहला ये जो अपना फेस कैम के साथ बना रहा हूँ, इसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोगों का मैं रिएक्शन देखना चाहता हूँ भाई। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं शायद व्लॉगिंग भी शुरू करूँगा। वैसे मेरा प्लान है व्लॉगिंग का, लेकिन बहुत आगे जाके। अगर आप लोग रिएक्शन अच्छा देते हो तो शायद मैं थोड़ा पहले ही व्लॉगिंग शुरू करूँगा। और गाइस, हाँ, मैं ओवरसाइज़ कपड़े पहनता हूँ यार, क्योंकि गर्मी बहुत है और लाइट भी चलेगी। आप लोग देख रहे हो, फ़ैन भी चलने रहा है, लाइट चली गई है, तो इसलिए यार प्लीज़ यहाँ पे शुरू करते हैं। आई डोंट नो वॉइस कैसा आ रहा होगा। अगर वॉइस में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो गाइज उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे गैजेट्स नहीं है कि मैं वॉइस पूरा अच्छे से बना पाऊँ, या कुछ भी, मतलब ऐसा माइक भी नहीं है मेरे पास अभी फ़िलहाल, इतना ही है। आई होप आप लोग एडजस्ट करोगे। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं इसके लिए। एंड मैं अनबॉक्सिंग के लिए कैंची लाना भूल गया हूँ यार, रुको कैंची लेके आता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे जो ये रूम है, मैं रेंट पे रहता हूँ, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे कश्मीर में, एंड यहाँ पे मैं रूम पे रेंट पे रहता हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ गर्मी है काफ़ी ज़्यादा। आज है 23rd of August। तो चलो शुरू करते हैं। ये टाइटन की फास्ट ट्रैक की वॉच है, जो कि टाइटन से भी लिंक है। तो अगर इसका कोई सर्विस सेंटर होता है, मतलब अगर सर्विस करवानी हो इस वॉच की, तो टाइटन में जाना पड़ता है। पहले फास्ट ट्रैक में पता करो, अगर फास्ट ट्रैक वाले आपको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं तो आपको टाइटन में जाना पड़ता है। तो टाइटन वाले ज़रूर एंटरटेन करेंगे। एंड चलो ओपनिंग करते हैं इसकी, लेट्स सी, देखते हैं कैसी है। इस वॉच का नाम है ब्राउन डायल, कुछ ऐसा ही नाम था। रुको यार, मैं दिखा देता हूँ, मेरे को एक्चुअली पूरा नाम भी याद नहीं है यार। पहले इसको कट करेंगे, एंड आई होप कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा हो, कुछ फॉल्टेड ना हो, क्योंकि यार फिर बहुत, मतलब टाइम लगेगा। एक तो पीछे रिटर्न डालना पड़ेगा, उसके बाद में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो यार मैंने वो सब नहीं चाहता हूँ कि ये सब हो मेरे साथ, इसलिए पहले मैं इसको अनबॉक्सिंग करूँ, और आई होप कि अच्छा प्रोडक्ट ही हो, कुछ फॉल्ट ना हो इसमें। अच्छा, मैं ऐसे रखता हूँ क्योंकि आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा। एंड ये रहा इसका इनवॉइस, आई थिंक ये इनवॉइस है इसका शायद से, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, हाँ, ये इसका इनवॉइस है, ये इनवॉइस है इसका, जो कि इस घड़ी का नाम इस पे तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है। तो ठीक है, कोई नहीं, मैं आप लोगों को लिंक भी डाल दूंगा इसका, इसका ही वॉच का, आप लोग देख सकते हो। एंड फाइनली ओपन करने जा रहा हूँ, आई होप कि अच्छा प्रोडक्ट हो यार। ओके, नाइस डिज़ाइन में पैकिंग है, इतनी भी अच्छी पैकिंग नहीं है, लेकिन अट्रैक्टिव प्लान पैकिंग है। ओके, ये रहा फास्ट ट्रैक का बॉक्स, जो कि खुल गया मेरे से गलती से। ओके, ये ऐसा बॉक्स है, अगर आप लोग देखो, ये है फास्ट ट्रैक, ऐसा बॉक्स है। इस पे रेट भी लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को ध्यान से दिख रहा हो यहाँ पे। ओके, ये लिखा है शायद से, हाँ, 4295 इतने की मेरे को ये वॉच पड़ी है। एंड चलो लेट्स सी, यहाँ से ओपन करते हैं। आई होप आप लोगों को सही से दिख रहा हो, क्योंकि यार पहला व्लॉगिंग है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, अगर आपको गलत कुछ भी, मतलब दिख नहीं रहा है अच्छे से। तो चलो, ओके, अंदर से स्पॉन्ज है, ताकि जो मिरर है यहाँ पे, ग्लास है वॉच का, वो टूटे ना। एंड फाइनली यहाँ पे ब्राउन कलर की वॉच है, और ये पूरा स्पॉन्ज का डब्बा है इसमें, ताकि ये ब्रेक ना हो इधर उधर, क्योंकि पैकेजिंग में इधर उधर होता रहता है, तो टक्कर की वजह से टूट भी सकती है वॉच। एंड ये पॉलीथीन में पैक किया हुआ है, आई थिंक इसका वारंटी कार्ड जो होगा वो भी होना चाहिए था, बट नहीं है। ओके, ऑफलाइन अगर लोगे तो शायद से वारंटी कार्ड मिलेगा इसका,
ये इनवॉइस जो है इसमें ही वारंटी कार्ड है, 2 साल की बॉडी की वारंटी है और 1 साल की जो इसमें सेल पड़ी है इस वॉच में वो 1 साल की वारंटी है उसकी। एंड हाँ, बॉक्स में कुछ नहीं है। और फाइनली अंदर एक और स्पॉन्ज है, ये कुछ है यहाँ पे, आई डोंट नो कि ये क्या है, कॉन्टैक्ट करने का है तरीका है यहाँ पे कुछ स्टिकर पे। ओके, ये वॉच काफ़ी हैवी है भाई, ये वॉच हैवी है भाई। ओके, अगर आप लोग देख रहे हो तो ये ऐसी वॉच है, अगर आप लोगों को अच्छे से दिख रहा हो, ब्राउन कलर का वॉच है, पूरा ब्राउन कलर का वॉच है ये। एंड अंदर से जो है वो है डार्क ब्राउन, थोड़ा डार्क ब्राउन है अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो। नाइस यार, नाइस प्रोडक्ट, अच्छा है। इसके बारे में यार वो नहीं दिए हैं यार इन्होंने, ना डायरी दी है इसकी, ना कुछ कार्ड है इसका, आई डोंट नो कि क्यों नहीं दिया है, होना तो चाहिए था इसका वारंटी कार्ड। चलो वारंटी मैं समझ सकता हूँ कि इसमें वारंटी हो सकती है, टाइटन कंपनी से लिंक होता है ये फास्ट ट्रैक, इसमें शायद से वारंटी हो सकती है, लेकिन इसकी डायरी होनी चाहिए थी जिसमें बताया जाता है कि ये इसके पीछे लिखा हुआ है स्टेनलेस स्टील बैक एंड इस पर लिखा है 50 mm वाटर रेजिस्टेंट, मतलब 50 मिनट्स वाटर रेजिस्टेंट है या 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंट है वो मुझे नहीं पता है, बट 50 mm लिखा हुआ है, आई थिंक 50 मीटर्स होगा वो, 50 मीटर्स वाटर रेजिस्टेंट होगा। ये इसका स्टिकर है जो कि मैं निकालने वाला हूँ थोड़ी देर में, फिलहाल अभी नहीं निकालना चाहता क्योंकि मैं देख रहा हूँ फॉल्टेड पीस तो नहीं है, अगर फॉल्ट होगा इसमें तो हम ओके ये क्या था, ये हटाओ इसे, फॉल्ट होगा तो हम हटा देंगे। ओके तो गाइज अगर इसका आप लोग डिज़ाइन देखोगे, ये कॉमन डिज़ाइन नहीं है, ये कॉमन डिज़ाइन अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मेरे पास एक और वॉच है जो कि कॉमन डिज़ाइन पे है, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। गाइज देखो यार, मेरे पास एक और वॉच है जो कि ये है, ये V9 कलेक्शन का है, तो आप लोगों को बता दूं कॉमन डिज़ाइन जो होता है ऐसा होता है, लेकिन इसका थोड़ा यूनिक बनाया है, ये जो बेल्ट है इसका थोड़ा यूनिक बनाया है, अगर आप लोगों को अच्छे से दिख रहा हो यहाँ पे तो ये यूनिक बनाया है थोड़ा सा, यार सॉरी लाइट की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, थोड़ा ये यूनिक है ये बैंड इसका, और ये जो बॉडी है इसकी पूरी की पूरी वो स्टेनलेस स्टील की है, मतलब कि इसका कोई रंग वंग उठेगा नहीं, पूरा स्टेनलेस स्टील है। एंड इसके साथ में आप लोगों को ओके ये 3 बटन्स मिल रहे हैं, ये जो 3 हैं ये 3 बटन हैं इसके, मुझे नहीं पता इनके फंक्शंस क्या है क्योंकि अभी अभी मैंने आपके सामने ही अनलॉक किया है इसको, अनबॉक्सिंग की है, मुझे नहीं पता इसके फंक्शंस क्या है, लेकिन ये 3 बटन ज़रूर इन स्विगियों के ही होंगे जो कि हम चेंज कर सकते हैं। इसमें अभी टाइमिंग हो रहा है 9:30 जो कि मुझे सेट करना होगा। एंड अंदर से अगर डायल पैड देखोगे तो ये 3 यहाँ पे दिए जाते हैं एक्स्ट्रा अट्रैक्ट करने के लिए, जिसमें एक हमको सेकंड बता रहा है, एक आई डोंट नो कि क्या दिखा रहा है, ये ऐसी ये शायद से डायल पैड, और अंदर से देखोगे अगर ये डायल पैड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ जो है वो लाइनिंग है, ताकि जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है मुझे। एंड ब्राउन डाई है, लाइट जब लाइट आएगी तो काफ़ी अच्छा चमकेगा। और हाँ, इसके साथ में अगर आई थिंक वाइट शर्ट पे ज़्यादा जचेगा, ये वाइट शर्ट पे दिखेगी ये मेरे ख्याल से, मुझे लगता है मेरे हिसाब से वाइट शर्ट पे ज़रूर दिखेगी ये वॉच अच्छी सी। एंड पहन के देखिए क्या, रुको यार पहन के देखते हैं। ओके ये ऐसे दिख रही है वॉच, अगर आप लोगों को अच्छे से दिख रहा हो, आई होप मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ भाई अच्छे से दिखे आप लोगों को, लेकिन क्या करूँ, पहला है, पहला अनबॉक्सिंग वीडियो है तो थोड़ी बहुत कमियाँ होंगी, पता नहीं चलता है कि क्या कहाँ पे कौन सी गलती होगी, एडिटिंग में मेरे को समझ में आएगा कहाँ पे कौन सी गलती होगी। ये ऐसे है वीडियो, ऐसी वॉच है अगर आप लोग देखो तो, वाटर रेजिस्टेंट है 50 मीटर्स आई थिंक या 50 मिनट ऐसा कुछ है वाटर रेजिस्टेंट, लेकिन पानी डालना ही क्यों है यार, पानी डालना ही क्यों है, बट नाइस है, 4000 की वॉच है। इस रेंज में मुझे नहीं लगता और कोई कंपनी आपको ये ऐसी वॉच देने वाली है, 2 साल की वारंटी के साथ में एंड प्लस 1 ईयर सेल की वारंटी है इसकी, बैटरी की वारंटी है इसकी। एंड मुझे नहीं लगता ये 3 इसके वो है ये बटन्स है, मुझे नहीं लगता इस रेंज में कोई और कंपनी आपको देगी ये ऐसी वॉच देगी, कलर हो सकता है दूसरा, लेकिन ऐसी वॉच मुझे नहीं लगता कोई ऐसा डिज़ाइन या ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा डिज़ाइन बना के देगा, मतलब कोई देगा आपको इतना सस्ता 4000 में। आई थिंक
और कोई कंपनी में जाओगे, हिल फिगर में जाओगे या कुछ भी किसी और में, टाइमेक्स में जाओगे, तो 4 से 8 थाउजेंड के बीच में मुझे लगता है ये ऐसी वॉच आपको मिलेगी आराम से। डैनियल कैलिन में जाओगे तो आराम से उसमें 4 से 8 हज़ार में मिल जाएगी ये वॉच। बाकी मुझे पसंद आई बहुत ज़्यादा, तभी तो खरीदी है यार। अगर आप लोगों को अच्छे से फिर से दिखाऊँ इसका बेल्ट, यहाँ पे अलग डिज़ाइन है, ये आउटर जो है अलग डिज़ाइन है, अंदर से अलग कोटिंग है, और इसके अंदर फिर से वही बाहर वाला कोटिंग है। इसके अंदर फिर से ये जो दो लाइनें आ रही है यहाँ से, इनमें अलग कोटिंग्स है, और जो बाहर की, दो लाइनें हैं और अंदर की एक मिडल लाइन है, उसमें अलग कोटिंग है, पॉलिश कोटिंग है, जो कि मेटेलिक फिनिश दे रही है, पॉलिश फिनिश दे रही है। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आई ये वॉच, तभी तो ली भाई। एंड आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी ये अनबॉक्सिंग वीडियो। तो अगर किसी को ये वॉच देखनी हो तो मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, fasttrack.com पे मिल जाएगी ये लिंक, मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आई होप आपको मिले, आप लोग देखो जाके। एंड ये था मेरा पहला अनबॉक्सिंग वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड अगर आप लोगों को और पसंद आता है, मैं आप चाहते हो मैं और ऐसी अनबॉक्सिंग वीडियोस या अपने ब्लॉग शुरू करूं, प्लीज़ मुझे प्यार दिखाइए वीडियो में, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, मैं ज़रूर आपको एंटरटेन करने का ट्राई करूंगा। एक और चीज़ मैंने अभी गौर किया, इसका जो अंदर का बेल्ट है, अंदर की साइड्स उनमें एरोज़ बने हैं यहाँ पे, अगर आप लोगों को दिख रहा हो। यार मैं कितना दिखाऊं, मैं इतना प्रोफेशनल तो हूं नहीं, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे दिखाऊं, लेकिन ये अंदर से जो डिज़ाइन है इनमें एरोज बनाए हैं छोटे छोटे, ताकि आपको पता चले कि किस तरह, किस साइड से आपको ये वॉच को पहनना है। हाँ भाई, इसमें एरोज बनाए हैं ताकि आपको पता चले कि किस साइड से आपको ये वॉच को पहनना है। तो लॉक जो है, इसका जो लॉक है वो भी काफ़ी कूल है। यहाँ पे अगर आप लोग देखो, ये यहाँ से निकला हुआ है, ये यहाँ से निकला है, यहाँ से अगर ऐसे करेंगे तो ये इसका है, और यहाँ से जो इसका ये बटन है यहाँ पे, अगर आप लोग देखो इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक होती है, काफ़ी कूल है। एंड अगर, और यहाँ पे फास्ट ट्रैक का सिंबल है, लाइट है, अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा यार, क्योंकि मेरे घर में भी अभी लाइट नहीं है। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत हल्का अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो शायद यहाँ फास्ट ट्रैक का आपको सिंबल दिख जाएगा। प्लस यहाँ पे पीछे घड़ी है, ये इसकी बॉडी पे भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को शायद पढ़ा नहीं पाऊँ। फ़ोटोज़ मैं अटैच कर दूँगा, फ़ोटोज़ खींचूँगा तो फ़ोटोज़ अटैच कर दूँगा। यहाँ पे फास्ट ट्रैक का सिंबल आ गया, एंड इसकी जो यहाँ पे है, इस पे भी सिंबल है फास्ट ट्रैक का, यहाँ पे चाबी बोलते हैं इसको, वैसे की यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे भी फास्ट ट्रैक का सिंबल है। एंड तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आए, तो मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखो और देखने के लिए शुक्रिया। बाय बाय।